जन रसोई के बाद पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली के लोगों को लाइब्रेरी का तोहफा देने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके में। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। ये जो लाइब्रेरी गौतम गंभीर की तरफ से शुरू किया जा रहा है उसका नाम शहीद भगत सिंह जन लाइब्रेरी रखा गया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह लाइब्रेरी बनाया गया था, जिस जगह पर यह लाइब्रेरी बनाया गया है, इस जगह पर पहले ढलाव घर हुआ करता था। उस ढलाव घर को लाइब्रेरी में तब्दील किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस पूरे लाइब्रेरी को तैयार किया गया है। यहाँ पर खूबसूरती का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है ताकि यहाँ पर जो बच्चे आएँ उनको सही माहौल मिले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो शुरुआत की गई है, शुरुआत में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी तस्वीरों को दिखाया गया है। वो अपनी माँ का पैर छू रहे हैं। इसके अलावा जो उनके बचपन की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। तो आप अंदर का देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नज़ारा है। जो लाइब्रेरी है वो लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से किताबें रखी गई है, अलग अलग तरीके की यहाँ पर किताबें हैं। इसके अलावा बैठने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। एक और बात बताऊं कि यहाँ पर देखिए गौतम गंभीर का जो करियर रहा है क्रिकेट का, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हॉल नुमा जगह तैयार किया गया है। कुर्सी टेबल लगाई गई है ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सके। और यहाँ पर लाइटिंग का पूरा व्यवस्था किया गया है, बैठने के लिए चेयर लगाई गई है। अत्याधुनिक तरीके से इस पूरे लाइब्रेरी का निर्माण गौतम गंभीर के तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर आसपास के लोग, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके किसी भी समय आकर यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। और जो गौतम गंभीर के ऑफिस से जो जानकारी मिली है उससे ये पता चला है कि जल्द ही ये गौतम जो लाइब्रेरी है इसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मोनिफ खान।